हेलो एवरीवन, मायसेल्फ मोनी स्कॉट फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर, एंड फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। एंड इट इज द यूनिट द चैप्टर in the unit of biotechnology, and the first chapter is the principle and processes. Means in this chapter we will discuss only about the principles which are involved in the biotechnology along with the number of processes. Okay, so first of all let us नो अबाउट द डिफिनीशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है इसके बारे में जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। सो बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस, ये एक तरह का क्या होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरडीएनए। ओके, प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरडीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इन शॉर्ट में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरडीएनए। ओके, तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आरडीएनए को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब जो नेचुरल डीएनए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में पाया जाता है उस डीएनए को रीअरेंज किया जाता है। ओके, मॉडिफाई किया जाता है या उसमें कुछ ऐड किया जाता है या फिर उससे कुछ डिलीट कर दिया जाता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए। बट ब्रीफली इसका डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम को या फिर उसके एंजाइम्स को या फिर उसके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स को यूज करके जो प्रोसेस या प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिस प्रोसेस से प्रोडक्ट और प्रोसेसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट मेथड और दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। मींस इसमें हम बायो मींस लिविंग। ओके, बायो मींस लिविंग मींस जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किसी प्रोडक्ट को या फिर उसके पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज करके जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ओके, तो ऐसे टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन सिंपली आप ये समझिए द टेक्निक और मेथड टू प्रोड्यूस समथिंग। इसी चीज को बनाने का जो मेथड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी में बायो टर्म ऐड हुआ है, इसका मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो इसको हम ब्रीफ डेफिनेशन देख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स या तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिया जा सकता है या फिर उससे एक एंजाइम को लिया जा सकता है और देयर मॉलिक्यूल या फिर उसके मॉलिक्यूल को टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट और प्रोसेसेस अ प्रोडक्ट और प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी। उसी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को या तो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को यूज किया जाता है या फिर उसके किसी मॉलिक्यूल को, एयर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मीन्स बायो मॉलिक्यूल, इसको यूज करके अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम या फिर मॉलिक्यूल जो है वह किससे बनते हैं, उसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे होता है, डीएनए के पास होता है।
तो स्पेशली हम डीएनए को लेते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। तो आपके प्रोडक्ट और प्रोसेसेस, प्रोडक्ट भी बन सकता है या प्रोसेस भी बन सकता है। ओके, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस इट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो प्रोडक्ट और प्रोसेसेस बनते हैं इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, और ह्यूमन वेलफेयर और फॉर मैनकाइंड वेलफेयर, मतलब ह्यूमन के वेलफेयर में जो प्रोडक्ट और प्रोसेसेस बनते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके या उसके एंजाइम को या फिर उसके मॉलिक्यूल को यूज करके बनाया जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ओके, एंड द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज, बायोटेक्नोलॉजी के फादर थे, फादर है दैट इज पॉल बर्ग, पॉल बर्ग इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के फादर जो है पॉल बर्ग को कहा जाता है। सो ये था आपका डिफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रिंसिपल और प्रोसेसेस को पढ़ने से पहले जो है हम इसके रिक्वायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उसकी बात करेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल और प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या कौन कौन से प्रोडक्ट और प्रोसेसेस जो है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द मेकिंग ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन प्रोडक्शन, एडिबल वैक्सीन को जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है। इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन, जैसे देखिए इंसुलिन होता क्या है कि आप लोग जानते हुए हैं कि इंसुलिन जो है पैंक्रियास में प्रोड्यूस होता है, उसके अलावा जो है कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिससे इंसुलिन बनता है, और ये जो है ह्यूमन बॉडी के पैंक्रियास में बनता है। सो डायबिटीज एक बहुत ही पॉपुलर डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन का इंजेक्शन ही वन ऑफ द मेथड होता है फॉर द ट्रीटमेंट और फॉर द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज को कंट्रोल करने की इंसुलिन का इंजेक्शन ही एक वन ऑफ द मेथड होता है। और इंसुलिन को जो है आप सोच सकते हैं कि कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ऐसे इतने लार्ज अमाउंट में इंसुलिन जो है कैसे फाइंड आउट किया जाता है या कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इंसुलिन जो है ह्यूमन बॉडी से तो निकाला नहीं जाएगा क्योंकि ये ब्लड में मिक्स्ड रहता है, इंसुलिन हार्मोन है तो ब्लड में मिक्स रहेगा, तो ऐसे में निकालना और ह्यूमन बॉडी को प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए जो है एक अल्टरनेटिव ढूंढा गया कि कैसे इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाए। तो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का वन ऑफ द मेथड क्या है, इट इज द बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से ही इंसुलिन प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय ट्रांसफरिंग द जीन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन हार्मोन फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द डीएनए ऑफ ह्यूमन बींग इनटू एनी अदर ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस इंसुलिन ओके इन लार्ज क्वांटिटी। तो इसमें जो है ई कोलाई को यूज किया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया को लेकर के जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन आरडीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से किया जा सकता है। यहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन, इसके अलावा वैक्सीन जो है सिंपली जो किल्ड और वीकेंड वैक्सीन होते हैं उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ चांसेस क्या होता है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू बिकम्स लाइव, सिंपली वैक्सीन का डिफिनेशन आप पढ़े होंगे दैट इट इज द प्रिपरेशन ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को किल करके या फिर वीक करके जो है जो प्रिपरेशन बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड वैक्सीन, उसी को हम वैक्सीन बोलते हैं। तो आप सोचिए, तो ये था आपका प्रिमिटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। तो उसमें प्रॉब्लम क्या था, उसके पीछे जो है डिमेरिट उसमें क्या थी, सो डिमेरिट इज द चांसेस ऑफ द सम अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिमेन एक्टिव इन वैक्सीन, वैक्सीन में जो है कुछ परसेंटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्टिव होने के चांसेस होते हैं, जिससे क्या होती है कि अगर ऐसे वैक्सीन किसी भी पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है डिजीज होने की।
बट अगर हम वैक्सीन को आरडीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करें, मींस वैक्सीन का मींस क्या है, पर्टिकुलर प्रोटीन जो है जो पैथोजेंस के बॉडी में पाया जाता है, उस प्रोटीन को एक्सपोज किया जाता है टू द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी, इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ बॉडी के उस पर्टिकुलर प्रोटीन को एक्सपोज किया जाता है. ओके, सो एक्सपोजर इज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक. एक्सपोजर ही जो होता है वो एंटीबायोटिक फॉर्मेशन को लीड करता है. तो ऐसे केस में ये क्या किया है, बायो टेक्नोलॉजी टेक्निक से वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ टेकिंग द जीन फ्रॉम द बैक्टीरिया, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, एंड देन दैट प्रोटीन विल बी व्हेन टेकन बाय द बॉडी इट विल नॉट अफेक्ट और इट विल नॉट कॉज एनी परसेंटेज ऑफ डिजीज. तो ऐसे केस में वो क्या होगा, वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या है, उस वैक्सीन में केवल प्रोटीन है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी से जो वैक्सीन होगा वो 100% क्या होगा, सेफ वैक्सीन होगा. 100% सेफ वैक्सीन हम बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से बना सकते हैं. उसके अलावा अदर प्रोडक्ट में आपका जो है, जैसे जो आपका फायर फ्लाई के पास एक प्रोटीन होता है, इसको हम बोलते हैं ल्यूसीफेरिन. ओके, ल्यूसीफेरिन एक प्रोटीन होता है फायरफ्लाई प्रोटीन, ल्यूसीफेरिन. सो फायरफ्लाई प्रोटीन को बनाने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं. और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि फायरफ्लाई आप देखे होंगे कि रात में जो है उसमें से ग्लोइंग होता है, उसके बॉडी में जो है ग्लोइंग होता है. तो ये बॉडी में ग्लोइंग किसकी वजह से होता है, तो यह इस प्रोटीन की वजह से होता है. उस प्रोटीन को हम बोलते हैं ल्यूसीफेरिन प्रोटीन. तो अगर ऐसा, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो क्रिस्टल फॉर्म में बॉडी में पाया जाता है, और दिन में यह सनलाइट के सोर्स ऑफ सनलाइट से एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और रात के समय उसी एनर्जी को वो एमिट करता है लाइट के फॉर्म में, तो इसलिए वो बॉडी उसकी ग्लो करती है. तो अगर ये कॉन्सेप्ट हम प्लांट में अप्लाई इनपुट कर दें, तो ऐसे में क्या होगा कि प्लांट भी रात में क्या होगा, उसमें से लाइट आएंगे. तो रोड के किनारे जो बल्ब लगे होते हैं कि ट्यूबलाइट लगाया जाता है फॉर लाइटिंग, तो इसकी प्रॉब्लम जो है दूर हो सकती है कुछ हद तक. कि रोड के सामने अगर ऐसे प्लांट लगाया जाए विथ ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, तो ऐसे में रोड हमेशा जो है रात के समय रोड जो होंगे वो लाइटेड रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. तो ये जो है पॉसिबल किसके हेल्प से हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हो सकता है. उसके पर्टिकुलर जीन को जो फायरफ्लाई के अंदर पर्टिकुलर वो प्रोटीन बनाते हैं ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, उस प्रोटीन के जीन को निकाल करके और उस जीन को अगर प्लांट में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ऐसा जो है कुछ इंजीनियर्स जो है सक्सेसफुल हो चुके हैं फॉर मेकिंग द प्लांट विथ ल्यूसीफेरिन. ओके, बट वो अभी जो है बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए जो प्रोसेस होता है एमिशन ऑफ लाइट का प्रोसेस, वो बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए देखा गया है उसमें. तो अभी जो रिसर्चेस चल रहे हैं जिसमें फ्यूचर में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस होगा मेकिंग ऑफ ल्यूसीफेरिन प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट ओके मेड बाय प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी से बनने वाले प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे है. अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है आरडीएनए, तो बायोटेक्नोलॉजी से जो डीएनए प्रोड्यूस किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आरडीएनए बोला जाता है. एंड द फर्स्ट आरडीएनए वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई वायर एंड कोहेन. फर्स्ट आरडीएनए was constructed by Boyer and Cohen. Boyer and Cohen के द्वारा जो है पहला RDNA बनाया गया था. ओके, और ये RDNA जो है यहाँ पे देखिए constructed दिया गया है, isolated यहाँ पे जो है discovered नहीं दिया गया है. तो आरडीएनए जो होता है उसको बनाया जाता है, ये पहले से पाया नहीं जाता है, बनाया किसके हेल्प से जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से. तो इसलिए यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टेड लिखा हुआ है. एंड दिस डीएनए व्हिच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय बॉयर आरडीएनए इट वाज इन 1972 में इसको पहली बार पहले आरडीएनए को बनाया गया था बाय बॉयर एंड कोहेन. ओके,
एंड उसके बाद हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो रिक्वायरमेंट जो है इसमें नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट होती है बायोटेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने की, इसको हम रिलीज करते हैं उसके बाद रिक्वायरमेंट बताते हैं। ओके, सो अंडर द रिक्वायरमेंट वी विल डिस्कस डिफरेंट थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इन द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो पहला जो रिक्वायरमेंट होता है दैट इज ऑफ एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है बायोटेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए। एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स की जरूरत होती है अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है दूसरा जो रिक्वायरमेंट होता है इज अ सेलेक्टेबल मार्कर, एक सॉरी वेक्टर। यहाँ पे जो है एक वेक्टर की जरूरत होती है। वेक्टर का मतलब अभी जो है प्रीवियस चैप्टर में ही बताया गया था। यहाँ पे सिंपली जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर का मीनिंग आप लोग जानते हैं, वही वेक्टर जो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। जैसे मॉस्किटो जो है एक वेक्टर होता है, जो मलेरियल पैरासाइट एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करता है फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो ऐसे ही यहाँ पे जो वेक्टर होगा वह डीएनए के छोटे से डीएनए के फ्रेगमेंट को जो पर्टिकुलर जीन को कैरी करेगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करेगा, तो ये वेक्टर कहलाएगा। तो वेक्टर में क्या होता है, एक तरह का डीएनए ही होता है, एक तरह का क्रोमोजोम होता है। उसके अलावा जो है तीसरा जो रिक्वायरमेंट होगा सुटेबल होस्ट, एक सुटेबल होस्ट की जरूरत होगी। होस्ट का मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा सेल जिसके बॉडी में उस पर्टिकुलर स्मॉल डीएनए को ट्रांसफर कराया जाएगा, उसके डीएनए में एंटर कराया जाएगा और जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। होस्ट का मीन्स सिंपली समझिए जिसमें प्रोडक्ट, इन विच प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट आर फॉर्म, जिसके बॉडी में प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम होस्ट बॉडी बोलेंगे। ओके, उसके अलावा जो है इसमें जो प्रोसेस टेक्निक यूज होगा फोर्थ वन इज द टेक्निक। कौन कौन से टेक्निक इसमें इन्वॉल्व होंगे रिक्वायरमेंट में, तो टेक्निक में आपका जो कल अभी डिस्कस हुआ था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक टेक्निक यूज हुआ था जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए। उसके अलावा जो है ब्लॉटिंग होता है, ब्लॉटिंग अभी बताया गया था आपको कि ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम टेम्पररी जेल जेल सोल्यूशन टू द परमानेंट जेल। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है टेम्पररी जेल में होता है, इसको इसमें से जब डीएनए के फ्रेगमेंट को परमानेंट जेल में ट्रांसफर कराया जाएगा इट इज कॉल्ड ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग जो है थ्री टाइप्स का होता है, साधारण ब्लॉटिंग, मॉडर्न ब्लॉटिंग Okay, ये ब्लॉटिंग जो है परमानेंट वाला। इसके अलावा तीसरा जो होता है आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और जब सेपरेशन हो जाएगा तो सेपरेशन के बाद वाला जो होता है इट इज द पीसीआर, ओके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बारे में भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। पीसीआर में क्या होता है कि वो छोटे फ्रेगमेंट और डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनता है, तो पीसीआर वगैरह टेक्निक होता है। सभी टेक्निक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या ये रोल प्ले करते हैं टेक्निक्स। ओके, उसके अलावा जो है लास्ट जो इस टेक्निक होता है दैट इज ट्रांसफर असेंबली। तो ट्रांसफर असेंबली में प्रोडक्ट बनने के बाद उस प्रोडक्ट का क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है। प्रोडक्ट जो है प्योर किया जाता है, मतलब होस्ट बॉडी से उस प्रोडक्ट को अलग किया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर असेंबली। तो इस तरह से जो है, और उसके अलावा जो है लास्ट जो स्टेप आएगा आपका, ये सारे टेक्निक्स हैं और टेक्निक्स को यूज करने के बाद क्या होगा कॉमर्शियल स्केल प्रोडक्शन।
लास्टली जो प्रोडक्ट होगा उसका कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन किया जाएगा।